उत्तर भारत में सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में इस मौसम में तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। इस मौसम में आंवले का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। आंवला विटामिन सी का बहुत बेहतरीन सोर्स है और यह एंटीऑक्सीडेंट युक्त भी होता है। यह सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह ठंड में होने वाली परेशानियां जैसे बाल रूखे होकर टूटना, एसिडिटी, वजन बढ़ना आदि समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं ठंड में आंवले के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में। आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है, खासकर ठंड के मौसम में जो है सो यह पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हरे हरे आंवला जो है सो आपको मार्केट में जो है सो उपलब्ध मिल जाएगा। पौधे जो है सो पेड़ में भी जो है सो आंवला जो है सो अभी के समय में जो है सो सीजन में जो है सो काफी ज्यादा फलता है। आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है, इसे धात्री भी कहा गया है। यह वात पित्त और कफ तीनों दोष का जो है सो शमन करता है और उसको जो है सो संतुलित करता है। तो इस कारण से जो है यह जो है सो शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। इसके साथ ही जो है सो यह विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है, जिस कारण से जो है सो यह आंख के लिए, त्वचा के लिए, बाल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यह पेट को भी जो है सो ठीक करता है। आंवला का चूर्ण जो है सो प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, इसके साथ ही इसका जो है सो जूस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। लेकिन जब अभी के सीजन में आंवला जब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो कच्चा आंवला खाना जो है सो ज्यादा जो है सो ताजा हरे आंवला को खाना ज्यादा फायदेमंद है। इस सीजन में जो है सो लोग आंवला की चटनी बना करके जो है सो प्रयोग करते हैं, लेकिन आंवला में जो है सो थोड़ा खट्टापन जो होता है, इस कारण कई लोग जो है सो ताजा हरे आंवला को जो है सो खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें जो है सो खाने में कठिनाई होती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो आंवला होता है, यह शुद्ध जो हरा आंवला है, इस आंवले का जो है सो अगर इस आंवले को पानी में जो है सो अगर उबाल लिया जाए तो हल्का येलोनेस जब आ जाता है, इतना उबालना है कि हल्का येलोनेस आ जाए। उसके बाद उस आंवले को जो है सो पानी निथार कर जो है सो उसको थोड़ा सा ड्राइनेस होने दे, सूखा होने दे, और वह जब आंवला जो है सो सूखा हो गया है और वह जो उबाला हुआ आंवला है, उस आंवले को जो है सो अगर आप किसी जार में या डब्बे में अगर रख लेते हैं तो यह सप्ताह 15 दिन जो है सो वह ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा। और उसकी जो है सो खट्टापन जो रहता है वह जो है सो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसकी गुणवत्ता जो है सो बरकरार रहेगी। तो इस प्रकार से उबाला हुआ भफाया हुआ आंवला जो है उसका जो है सो अगर जो है सो नियमित सेवन किया जाए तो यह जो है सो काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। उबले हुए आंवला को जो है सो 2 से 4 आंवला सुबह में लेकर के खाकर उस पर से हल्का गुनगुना पानी अगर पी लेते हैं और इसका सेवन अगर सुबह खाली पेट करते हैं तो यह जो है सो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा ही, साथ ही पेट में बनने वाले अम्ल, गैस, एसिडिटी इसको भी जो है सो यह आंवला जो है सो प्रयोग जो है सो वह ठीक करेगा। और यह जो है सो प्रायः सभी मरीज के लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चे बूढ़े सबों के लिए जो है सो यह फायदेमंद होगा।